मौदा में केसलापुर से लेकर रबड़ीवाला तक सड़क पर गड्ढे हो गए हैं और मौदा के नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन गड्ढों के कारण हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए युवा सेना के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं और राजमाता ढोल पथक के युवाओं ने सड़क पर बने गड्ढों को श्रमदान से भर दिया। हालांकि सरकार ने सड़क पर बने गड्ढों की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन यहाँ के नागरिकों के मन में सवाल है कि क्या प्रशासन किसी की जान जाने तक कोई कदम उठाएगा या नहीं। सियासी सत्ता में बड़े बड़े नेता आते हैं तो रातों रात सड़क बना देते हैं, लेकिन प्रशासन उस सड़क पर ध्यान ही नहीं देता। क्या नेताओं के आने जाने के बाद प्रशासन सोता है? ऐसा सवाल यहाँ के लोगों का है। यदि प्रशासन 5 दिनों के भीतर मूल के सड़क के सभी गड्ढों को ठीक नहीं करता है तो युवा सेना उन गड्ढों में पेड़ लगाने और उन्हें पुनर्जीवित करने की गतिविधि को लागू करेगा। इस मौके पर युवा सेना के नगर प्रमुख जीतू सियाथाने, जीतू गोड़ बोले, अनिकेत जोड़, धीरज रखड़े, स्वप्निल मदनकर, क्षितिज साशंकर, प्रणय मनवतकर, वेदांत विक्की पाटिल, आदित्य मेशराम, सत्यम सोनी, अमर घोड़मारे, रोहित घोरखड़े, सूरज बोरकर और कार्यकर्ता मौजूद थे।